एक बार फिर से रियलमी 9A का अपडेट आ गया है। इस बार क्या हुआ कि ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया है नाइट में, तो डाउनलोड करके तो नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ इंस्टॉल करके दिखा पाएंगे। ठीक है, बहुत कम साइज़ का है, आप इसे कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइज़ देख लीजिए कितना कम है, 4.91 MB। ठीक है, और जो रियलमी UI 3.0 है, Android 12 है, और जो वर्ज़न मिल रहा है RMX 3491.11.C.04। इसके पहले जो अपडेट आया था वो रियलमी UI 3.0 का बहुत बड़ा अपडेट था, लगभग 5 GB का डाटा कंज्यूम उसमें किया था। पिछला अपडेट में तो बहुत सारा चेंजिंग किया गया था, बट इस अपडेट में क्या किया गया है वो आपको चेक करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो अबाउट दिस वर्सन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि क्या चेंजिंग इस बार किया गया है। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, फिक्स सम नोज इशू टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। ओके, तो यही दोनों चीज़ इसमें चेंजिंग किया गया। चेंजिंग क्या है, सिर्फ अपडेट किया गया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो भी बग वगैरह था उसको हटाया गया होगा और कुछ नहीं है। तो आइए जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दिया है। ये हर बार की तरह इस बार हमने मिस्टेक नहीं किया, देखिए हमने अच्छे से दूसरे मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आपको कोई टेंशन ना हो अपडेट करने में। ठीक है, नहीं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि कैसे क्या हुआ, बट इस बार सब कुछ आपके सामने है। ऐसे तो हर बार ही सामने रहता है, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था दो बार, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन हमने नहीं दबाया था तो मिस्टेक हो जा रहा था, बट इस बार हमने ध्यान से याद करके दबा के रखा था तो हर एक चीज़ आपके सामने आ गया है। अभी अपडेटिंग हो रहा है। दोस्तों, अपडेट करने से क्या होता है कि कोई भी अगर बग वगैरह रहेगा तो शायद हट जाएगा, क्योंकि अपडेट में इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। वो ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर वहाँ पे फीडबैक देते रहते हैं रियलमी को, भाई ये बग आ रहा है तो इस बग को हटाया जाए। तो ये लोग थोड़ा सा टाइम लेकर के फिर से अपडेट करते हैं जिसमें बग वगैरह को हटाया जाता है। तो इस वजह से हम रेगुलर अपडेट करते ही रहते हैं ताकि अगर कोई भी ऐप में अगर बग वगैरह रह जाता है सिस्टम सेटिंग में या फिर कहीं भी, तो उससे निजात मिल सके। शायद आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, Redmi Note 10 Pro Max के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि यूटिलाइजर में एक बहुत ही भयानक टाइप का बग है। ठीक है, अगर नहीं आपने देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और रेडमी वालों ने अभी तक ले उस बग को नहीं क्लियर किया है, सबसे बड़ा दुख की बात यही है। दोस्तों, मोबाइल रीस्टार्ट हो गया है और अपडेटिंग कंप्लीट हो गया है। न्यू वर्सन इंस्टॉल का नोटिफिकेशन दिया गया, देखिए न्यू वर्सन इंस्टॉल। अब सेटिंग में इंटर करके आपको दिखाते हैं, देखिए वर्जन अप टू डेट। ओके, जो वर्सन दिखाया गया था वो अप टू डेट हो गया है। वही सारा चीज़ अबाउट दिस वर्सन में जो दिया गया वही सारा चीज़ दिखाया जाएगा, और कुछ चेंज नहीं किया गया है। ओके दोस्तों, एक बार आपको एंड्रॉयड वर्सन और सिक्योरिटी पैच दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच 5 जून 2022 का है, और हमें ये लग रहा है कि बहुत जल्द नया सिक्योरिटी पैच आने वाला है, क्योंकि जून के बाद जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, तो लगभग आएगा ही आएगा। दोस्तों, रियलमी के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।